गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वर्षा व्लॉग। इट्स अ डे 4 ऑफ आवर स्पीति एडवेंचर ट्रिप। सो राइट नाउ आई एम इन गाजा एंड अभी बज रहे सुबह के 7:30 और यहाँ का टेम्परेचर है, सुबह था -20, अब मैं जब 5 बजे उठी थी तो -20 था, अब है -15। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। एक मैप दिखाती हूँ, ये हम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आते हैं हम शिमला, शिमला से आए हम कुफरी, फागू, नारकंडा, फिर रामपुर, हाँ आया था लूर भी आया था, रामपुर आया था, फिर जोरी, फिर यहाँ नहीं गए हम, फिर यहाँ से करचम, करचम से हम आए सांगला, सांगला से हम आए रखचम और फिर चितकुल। ओए हम चितकुल आ गए, फिर वापस आए ना यहाँ से, फिर यहाँ से हम वापस आए फिर ये पू गए हम, फिर गए नाको, नाको के बाद ये रात ताब, ये सुमदो, फिर गियो भी तो गए थे, फिर गए ताबो, अब ताबो के बाद हम गए थे धनकड़, ये रहा धनकड़, और धनकड़ के बाद हम कहाँ हैं, कहाँ है का वो, कहाँ ये रहा काजा, फिर हम आए काजा, सो हियर इज काजा। उसके बाद आज हम जाएंगे कॉमिक लांजा, लांजा और कीबर चीचम, फिर बैक टू काजा, फिर और कहाँ जाएंगे हम, जाएंगे पिनवैली। पिनवैली तो हम कल दिखी थी ना हम लोगों ने, देखी थी ऊपर से तो देखी थी थोड़ा, बट हम यही सब जाएंगे यार, लोकेशन नहीं से मिल नहीं रही है कहाँ है हमारी। बड़ी पूरा मैप है गाइस, मैंने पूरा रूम फैला दिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये वाली ड्रेस पहनूँ कि ब्लैक ड्रेस पहनूँ कि वाली ड्रेस पहनूँ। आई एम रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट, दिखी नहीं रहा होगा, चलो मैं बताती हूँ। सो गाइस नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। ओ मम्मा बहुत ठंडा इधर, ट्रैवलर किधर है बेटी भाई, ट्रैवलर किधर है बाहर। सो गाइज हम पहुंच गए हैं लांगजा और यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंड है, इससे पहले मैं पैक हो जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे एक लोकल अंकल मिले हैं तो पहले मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे कैसे रहते हैं। अंकल जी मत भागो, तो अंकल जी आप यहाँ पे रहते हैं लोकल हो? हाँ जी, मैं यहाँ के हूँ। तो यहाँ का कितना टेम्परेचर रहता है नॉर्मली? अब सर्दियों में -35 तक चला जाता है, -35 तक जाता है यहाँ का टेम्परेचर। और तो फिर पानी वानी सब फ्रीज हो जाता होगा, कैसे करते हो आप? पानी पीने के लिए तो अब चश्मे से ना, हाँ जो उसमें जहाँ चश्मे निकलते हैं वहाँ वो टंकी जैसे बने होते हैं, उससे बाद में आते हैं। और वॉशरूम वगैरह पानी सारा फ्रीज होता है? वो तो घर में अंदर होते हैं टॉयलेट, लोकल टॉयलेट। और आप लोगों कुछ भी कुछ, हाँ नाम तो बता दो आपका। मेरा नाम दोर्जे अंगचुक। क्या नाम है जी? दोर्जे अंगचुक। दोर्जे वंगचुक। चलिए ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, चले बाय 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 बाय। भाई सब में बहुत ठंड है यहाँ पे, और मैं ऐसे पैक हूँ जैसे मैं पता नहीं कहाँ, समझ नहीं आ रहा बर्फ क्यों नहीं है, स्नोफॉल क्यों नहीं है, और ठंड यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में जो लोग गए हैं लद्दाख और इसमें मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है। दिस इज लांगजा। हेलो पुत्र जी, हेलो हो पुत्र जी, को हेलो करो। पुत्र जी का हाइट इतना है ना। हाय पुत्र जी, कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं। हर्बल टी है, सीबक थॉर्न लोकल। सीबक थॉर्न क्या बोलते हैं इसको? सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न यहां का बेरीज होते हैं। बेरीज होते हैं तो बेरीज का टी बनाते हो? हां किसका? बेरीज। फोटो खींचो उसको पीते हुए, पीते हुए फोटो क्या, हम तो भाई हमारा तो ब्लॉग ऑन है, हमारे यही है ब्रो, आ रही है हमारे यही है। सो बीटी भैया आपकी घर कहां पे है? मेरा घर गुवाहाटी, जो मेरा असम प्रॉपर में मोबाइल। सो आप लोगों का क्या रूट था, कैसे कैसे आ रहे हो आप लोग? शिमला, कल्पा, चितकुल, टैबो, नाको, टैबो, तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई तो तमिलनाडु से दिल्ली तक पूरा बाइक, मतलब पूरा बाइक ट्रिप। वाओ यार, टू गुड टू गुड। तो ये वाले भैया लोकल है जिन्होंने बहुत अच्छी चाय पिलाई है। तो भैया आप बताओ यहाँ पे इतनी ठंड रहती है, इससे कम तो होती नहीं होगी, ज्यादा होती होगी? इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा होती है। तो इस बार कम है? हवा चल गई है। ये इनको देखो, इस बार कम है, इस बार थोड़ा अभी तो बर्फ नहीं पड़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसी भी ज्यादा ठंडा होगा।
जमाने में डिपो से नहीं आता था हमारे पास लकड़ी। हम लोग ये गाड़ियाँ कांटे वाली गाड़ियाँ होती है। अच्छा, ये गाड़ी चलाते हैं पुराने जमाने में। ओ ये झाड़ियाँ झाड़ियाँ जो होता है। अच्छा अच्छा, ये चलाते हैं हम लोग। तो ये अंगीठी में डालते थे, चलाते थे। और ये सूखी रहती थी। ये क्या सूखी है? हाँ ये सूखा है, गीला भी होता है। पहले गीला लाते हैं ना, तो उसको रख देते हैं स्टोर करके ना, फिर अगले साल जलाते हैं इसको। और फिर सब के सब यहाँ बैठते हैं तंदूर में ना, तंदूर के पास। ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है ना, इसलिए ग्लास लगा रखा है। यार सच में टफ लाइफ है यहाँ पे, सच में। जल्दी जल जाता है, पर ऐसा। हाँ ये ऐसा है ना, देखो क्या कहते हैं, कांटे हैं वैसे तो इसमें, कांटे हैं पर सूखा है, सूखा है। So guys, ये है highest village in the world, Comic. हम पहुंच गए हैं Comic. तो welcome to Comic. आपका गांव तो बंद है, आपके गांव के बारे में बताओ ना कुछ तो। मेरा गांव के बारे में? यहाँ पर गांव है ना। आप इस स्कूल से पढ़े हो राज? नीचे एक प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल? ये भी तो एक स्कूल है। ये भी तो प्राइमरी स्कूल है। और आपका घर कहाँ है यहाँ? वो नीचे लास्ट में वहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत कम घर है भैया। तेरा घर है? तेरा ही घर है ओनली? तेरा घर है ओनली। तो देख रहे हो कितना सुकून वाला जगह है ये, मतलब सच में। दीज 7 days आर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सोलो योलो फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्रिप। बाय 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 गाइस। हॉट शेप रूम। ऐसे हम सब ले रहे हैं ये पोस्ट कार्ड्स। सो गाइस, मैंने सबके लिए यहाँ पे लेटर लिख लिए हैं, मतलब चिट्ठियाँ लिख ली हैं, और अब मैं जा रही हूँ पोस्ट करने। सो ये है काजा का व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा काजा आपको दिख रहा है। काजा है पूरा नीचे? हाँ पूरा नीचे काजा है। गाइस हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज पास में, अभी वहीं पे स्नोफॉल। हाँ हाँ हाँ, वो अक्टूबर में ही बंद हो जाता है। सो हम पहुंच गए हैं चिचम ब्रिज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यस हाँ, बोलेंगे बोलेंगे, सबको बोलेंगे। आ जाओ फटाफट। सो गाइस वी आर हियर टू क्लिक अ ग्रुप फोटो। हम खा रहे हैं मैगी मैगी, मेरा मैगी डन है। कर दो। ये है चिचम ब्रिज। सो गाइस वेलकम गाइस टू चिचम ब्रिज। और भाई आपको मैं ट्रक दिखाऊं? ओवरलोड हो गया, नीचे गिर गया ट्रक, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, मतलब पीस येलो कलर नदी में। ये देखिए ये ट्रक गिरा था यहाँ से। लो मैगी, ठंडी हो गई है तो। और कितने का? और आ रहे हैं। ये क्या था? ये पता नहीं, मैगी है ये तो। क्या तुम कह रहे हो उसके ऊपर? किसके ऊपर? चावल के ऊपर। और वो भाई ये तो बहुत रिस्क किया। तो गाइस तब कॉमिक विलेज तक रोड अवेलेबल नहीं था, तब जो ये तिब्बत विलेज देख रहे हो ना, ये वाला विलेज, ये सबसे हाईएस्ट था। इसके बाद कॉमिक के लिए रोड बन गया, तो फिर वो हाईएस्ट हो गया। तो ये भी क्या क्या है? ये है बारले लोकम, वो है लोकल बियर, समझ लो तो उसको। अभी तो हाई कर रही हूँ। ये क्या है? अच्छा बाल, ये लोकल छंग।
बियर बोलते ना हमारे लोग, बोतल में कहाँ ये क्या, ये क्या है बियर? ये किसकी बनी होती है? जो की बनी होती है मुझे क्या बताओ, आपका ट्रेडिशनल है कितना? तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल टोपी है, ठीक है ये मुझे दे दो, ये मैंने ले लिया। सो गाइस हमें वहां पे जाना है और हमारी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। ओह वाओ यहां से पूरी ये दिख रही है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। सो गाइस ये हमारी लास्ट प्लेस थी आज की विजिट करने की, की मोनेस्ट्री। इसके बाद हम सीधा घर जाएंगे, पर यहाँ पे मौसम एकदम चेंज हो गया और बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है। सच में ठंड यहाँ बहुत 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 ज़्यादा है, तो अगर आप लोग स्पीति आते हैं अपना ठंड का पूरा जुगाड़ करके आना। मैं ग्लव्स व्लव्स कोट टोपी वोपी सब पैक है, नो फैशन नथिंग, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है ठंड से यहाँ की। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनमें हिंदी नहीं आती है और तिब्बतियन आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए। तो वैसे आप लोग यहीं पे पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो गवर्नमेंट स्कूल में? तो ये गवर्नमेंट स्कूल तो मॉनेस्ट्री है ना? टेन तक पहले गवर्नमेंट स्कूल पढ़ना पड़ता। अच्छा यहाँ पे? उसके बाद अच्छा उसके बाद तो आपको हिंदी पढ़ाया जाता है? देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। हाँ जी बता, आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? तो बचपन से यहाँ। बचपन से हो? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई सब यहीं किया? हाँ। ये की मॉनेस्ट्री में? की मॉनेस्ट्री। तो यहाँ पे स्कूल भी है, पहले पढ़ाया जाता है और फिर आप लोग काम करते हो यहाँ पे? कैसे कैसे होता है आपका कल्चर, पूजा पाठ? गवर्नमेंट स्कूल है ना? हाँ। और अपना बुद्धिस्ट स्कूल भी? अच्छा ठीक है, बुद्धिस्ट स्कूल है। हाँ गवर्नमेंट स्कूल है पीछे, ठीक है। हॉस्टल है बच्चों के लिए? पहले तो हॉस्टल नहीं था ना? हाँ जी हाँ जी। हम अपने अपने रूम में अपने अपने टीचर के साथ गुरु के साथ बैठते थे। अच्छा अच्छा। अपने अपने क्वार्टर में? क्वार्टर में। अभी तो सब बच्चे इकट्ठे बैठते हैं यहाँ, हॉस्टल है मॉनेस्ट्रिक। अच्छा वो सब। यहाँ पे बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, कितना कितना दूर से आते हैं? पूरे जैसे लगभग 15-16 गांव है आसपास के, लोसर से लेकर यहाँ रंगरी का है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इस कुंपा में? हाँ जी हाँ जी। बच्चे पर उन गांव में तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थोड़ी सी है, बहुत कम कम से है पॉपुलेशन। ठीक है यहाँ बच्चे भी क्या इतना, लगभग 50 और कुल मिला के 100 से 100 तक 100 है। ठीक है ठीक है। छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं? हाँ जी हाँ जी प्राइमरी स्कूल। छोटे छोटे? बहुत छोटे। उनसे नहीं मिल सकते अभी, हॉस्टल में ना सब। अब हॉस्टल में? अच्छा अच्छा। बाहर नहीं जाएगा ना, ठंडा मौसम अब, ठंडा है इसकी वजह से अभी अंदर ही बैठेगा और पढ़ाई करता है। तो उनका खाने पीने का सब वहीं पे, पूरे वहाँ मैनेज होता है, सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ इकट्ठे। और आप यही रहते हो? हम सीनियर है बस, अपने अपने रूम में अलग। अच्छा आप लोग सीनियर हो? लकड़ी फाड़ के अपना रूम में अकेले बैठते हैं खाना बना के। और जो पूजा पाठ करते हैं जैसे पीस वगैरह के लिए, तो मेडिटेशन करते हैं फिर उसके लिए तो ऊपर जाएंगे ना, उसके लिए और ऊपर जाते हैं? सुबह ऊपर जाएंगे ना। सुबह ऊपर कहाँ मतलब? प्रेयर हॉल है। अच्छा की मॉनेस्ट्री में ही ऊपर प्रेयर हॉल है? की मॉनेस्ट्री यही भी, की मॉनेस्ट्री बस तो थोड़ा ही है, यहां से दिखते हैं वहीं जाएंगे सुबह। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। पर ये आप बहुत सुंदर जगह पे रहते हो, बहुत सुंदर, दीन दुनिया से परे, अलग, शांत है, बहुत शांत, बहुत पीस, बहुत शांत है यहाँ, अच्छा लगता है। इवन बहुत शांत है, मैं पिछले साल बहुत गया बैठा था सर्दी में, हाँ जी हाँ जी, लगभग 1-1.5 महीने, तो बहुत ही वहाँ बहुत ही मुश्किल है वहाँ रहना, वहाँ रहना क्योंकि बहुत ही नोइजी होता है ना, नोइजी होता है, क्राउडेड होता है बहुत ज़्यादा, इतना मुश्किल है यहाँ। शांति बहुत गया तो इतना मतलब पवित्र जगह हमारे लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सब जगह चारों तरफ बस ढोल बाजा। सही बात है, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, मुश्किल है। सही बात है, आपको शांति पसंद है? शांत, बहुत शांत। चले चले, अच्छा लगा आपसे मिलके। वाओ यार सच अ प्योर हार्टेड पीपल हियर इज यार, सच में बड़ा मजा आ गया मुझे तो, मैं तो खुशी होगी इनसे बात करके। सो अब चलते हैं वापस, और थैंक यू सो मच गाइस। मैं वैसे तो मैं इस व्लॉग का एंड करने वाली थी, बट मैंने एकदम से देखा और मैं लोगों से बातें करने आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्षा व्लॉग, बाय। अब बहुत ठंड होगी और जाने का समय हो गया, बाय बाय, मच लव।